वायुसेना ने पाकिस्तान में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश के लोग एक बार फिर से दिवाली मना रहे हैं। ये बात हमीरपुर के सर्किट हाउस में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कही। धूमल ने कहा कि आज पुलवामा हमले के 13वें दिन पाकिस्तान की 13वीं मनाकर देशवासियों को खुशी की खबर दी है। उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले ही जैश के ट्रेनिंग वाले सेंटर को पाक सेना ने घेरा है ताकि वहां पर पड़े शव को छिपाया जा सके। धूमल ने कहा कि पाकिस्तान की फितरत रही है कि पहले शरारत करना है और उसके बाद इनकार करना है, लेकिन आज पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान पीएम मुर्दाबाद के नारे लगे हैं जो कि बेहद ही शर्मनाक हैं। उन्होंने कहा कि सर्जिकल की महत्वपूर्ण बात रही है कि स्ट्राइक की पाकिस्तान फौज के द्वारा ही पुष्टि की गई है। उन्होंने देशवासियों को धन्यवाद किया कि संकट की घड़ी में एक साथ हैं और जिससे भारत की विजय होगी। हमें अपने नेतृत्व पर, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास था कि जो उन्होंने देश के साथ वायदा किया है उचित समय पर उचित कार्रवाई होगी, और अपनी वायुसेना, जल सेना, थल सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी पूर्ण विश्वास था कि जब उनको खुली छूट मिली है, समय और स्थान को उन्होंने चुनना है, 14 फरवरी को जो कुछ घटा था उसके 13वें दिन आज उन आतंकवादियों की 13वीं करके हमारी सेना ने साबित कर दिया है कि भारत किसी भी हमले का जवाब देने के लिए सक्षम है, चाहे आतंकवादी लोग ऐसा करें या कोई देश की शह इसके पीछे हो। आज गौरव के साथ हम कह सकते हैं कि आज देश में फिर दीपावली का माहौल है, हर तरफ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि जो आग लोगों के दिल में है वो मेरे दिल में भी है, उन्हें साबित कर दिया। मोदी पूरी तरह देश के साथ है, देश के नेतृत्व कर रहे हैं, और आज पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। जैश की उस ट्रेनिंग वाले सेंटर को घेर लिया चारों तरफ से पाकिस्तान की सेना ने, ताकि जो वहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हैं उनका लोगों को पता ना लगे, उनको खुर्द-बुर्द कर सकें। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के दौरान भी जब पाकिस्तानी मारे गए थे तो अपने सैनिकों के शव लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया था। तो पाकिस्तान की फितरत है, स्वभाव है, प्रकृति ऐसी है कि शरारत करता है और फिर उससे इनकार करता है। आज पाकिस्तान के संसद में जिस तरह इमरान खान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं वो इस बात का प्रतीक है कि हमारा नेतृत्व कितना उचित है। और इस बार के इस स्ट्राइक में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो पाकिस्तान वाले भी कहते थे कि कुछ नहीं हुआ, और हिंदुस्तान में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे इसका कोई सबूत नहीं है कि कुछ हुआ है। आज मज़े की बात यह है कि सबसे पहली खबर पाकिस्तान ने दी ट्वीट करके कि कुछ हुआ है, और सबसे पहले ट्वीट करने वालों में वो लोग थे जो प्रूफ मांगते थे सर्जिकल स्ट्राइक का, जिन्होंने इस बार भारत की सेना को सलाम किया है। हम धन्यवाद देते हैं देशवासियों को जो सब मिलकर इस घड़ी में इकट्ठे हैं, और देश हर संकट में हमेशा इकट्ठा रहेगा, भारत की हमेशा विजय होगी।